फर्स्ट गियर मैक्स आउट 8000 आरपीएम, सेकंड गियर मैक्स आउट 8000। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले अ बिग शाउट आउट टू इश्ना व्हील्स गोरेगांव फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक फॉर अ कंप्लीट डे। क्या बात है। तो काजा ब्राउन मतलब ये लाइट कलर है, तो ये साइज में थोड़ा बड़ा लगता है टू द आईज, और जो ब्लैक वेरिएंट है वो इतना बड़ा फील नहीं होता, हालांकि बाइक तो सेम है, एग्जैक्ट सेम। चलो, सिटी के ऑलमोस्ट थोड़ा बाहर निकल चुके हैं। सो राइट नाउ एट फोर्थ गियर एट द स्पीड ऑफ 65 अराउंड। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे 27 दिखा रहा है, जो सिटी का माइलेज हो सकता है। हाईवे पे शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि जब से मैंने ट्रैफिक छोड़ा तब वो 24 था। फिल्टरिंग इज़ वेरी गुड ऑन दिस बाइक, फिल्टरिंग आप आराम से कर पाओगे, गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया है, वाइब्रेशंस तो है। अभी मैं 80 की स्पीड पे था, हल्का हैंडल बार पे बस आ रहा था, विच इज़ ओके। फुटपैक पे ज़्यादा नहीं था, इनफैक्ट फुटपैक पे कब आता है, जब आप लोअर गियर पे होते हो और ज़्यादा रेव करते हो तब फुटपैक पे और सीट पे आता है, अभी तो नहीं आया। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है यार, क्या ही गियर शिफ्टिंग है, बहुत प्रिसाइज, वेरी गुड। न्यूट्रल पे लाना तो ऐसे चुटकी का खेल है भाई। ये देखो फर्स्ट गियर, ठीक है, ये देखो न्यूट्रल, क्या इजी है यार न्यूट्रल लाना, नहीं तो कभी कभी बहुत होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रैग टेस्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट गियर मैक्स आउट 8000 आरपीएम, सेकंड गियर मैक्स आउट 8000, 80 की स्पीड सेकंड गियर पे, थर्ड गियर 100, ओह माय गॉड, ओहो, क्या था भाई वो टेम्पो वाला, पीछे क्यों जा रहा था ऐसा। फोर्थ गियर पे मैंने शायद 115-120 टच कर लिया। वाव, जो गाड़ी का थंप है ना वो आपको फील होता है, मतलब द वे यू आर क्रॉसिंग 6000 आरपीएम, वो थंप फील होगा आपको कि हाँ भाई इंजन कुछ तो कर रहा है। ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है या कुछ ज़्यादा ही फीडबैक नहीं है, ऐसा फील नहीं होगा आपको, आपको लगेगा कि इंजन इज डूइंग समथिंग। साउंड भी बढ़िया आ रहा था, ऐसा थोड़ा सा थम्पी साउंड था, विच वॉज फीलिंग वेरी गुड। तो इसका जो टॉर्क है गाइस वो लीनियर टॉर्क है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि 6000 आरपीएम तक एकदम भागेगी और उसके बाद भागेगी नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें है राइट बाय वायर थ्रॉटल, और थ्रॉटल रिस्पॉन्स अगर देखे तो देखो मैं हल्का सा करता हूँ, डीले नहीं है, ये देखो इंस्टेंट इंस्टेंट है। हाँ, एक चीज़ मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो, जो सीट है ना इट्स वेरी कंफर्टेबल, लेकिन उसका थोड़ा एंगल ऐसा आगे की तरफ टिल्टेड क्यों लग रहा है, मतलब मैं थोड़ा सा आगे खिसक रहा हूँ, हालांकि ग्रिप इज़ नाइस लेकिन थोड़ा सा आगे खिसक रहा हूँ। आई थिंक मैं थोड़ा सा ऐसा बैठना चाहिए, मेरी थोड़ी आदत है मैं थोड़ा सा पीछे होके बैठता हूँ। ब्रेक्स की बात करें बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छे फीडबैक है, जैसे देखो अभी मैं रियर व्यू में देख रहा हूँ कोई नहीं है, क्या अभी मैं हल्का सा ब्रेकिंग करता हूँ सामने का, ओ नाइस, ये देखो स्पीड इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50 नाउ। फ्रंट ब्रेक्स आर वेरी गुड, रियर ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, लेकिन रियर ब्रेक थोड़ा सा कस के लग जाता है, थोड़ा ध्यान से चलाना होगा क्योंकि कभी कभी ABS के किन हो जाता है, लेकिन ब्रेक्स आर वेरी गुड, फ्लश ब्रेक्स है। आई थिंक रॉयल एनफील्ड इज़ यूजिंग सेंटर्ड ब्रेक पैड, तो बाइट ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी होगी, दैट्स फॉर श्योर। एक चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है, जो मैंने पहले भी बताई थी, कि इसका वेट जो है वो स्टैंडिंग वेट काफ़ी फील होगा, क्योंकि बाइक काफ़ी ज़्यादा टॉप हैवी है, और वो फील आपको ऐसे हो जाएगा जब आप बाइक उठाओगे, इट फील्स प्रिटी हैवी, मतलब ट्रस्ट मी ये यहाँ तक अगर आगे ना बहुत हैवी फील होती है। बाय द वे इसका हेडलाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, ये देखो ये पीछे दिया हुआ है एक स्क्रू, उसको आप लूज टाइट करोगे तो हेडलाइट नीचे ऊपर आएगा। एक चीज़ मुझे थोड़ी बॉदरिंग लगी कि जब हम टैंक को ग्रिप करते हैं ना, मतलब दोनों पैरों से दबाते थाइस से,
तो यहाँ का जो पार्ट है ये वाला, ये ऐसा कर्व है, मतलब ऐसा यहाँ पे पॉइंट है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा वो इरिटेटिंग फील होता है, मतलब चुभता है थोड़ा सा। थोड़ा सा अगर फ्लैटिश टाइप होता ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सैडलिंग के टाइम भी वो पार्ट था इसको चुभता है, हल्का सा ऐसा एंगल है यहाँ पे, जस्ट अ पॉइंट टू कंसिडर। देखो टूरिंग में एक और चीज़ मुझे याद आई जो काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट होगी, वो है कि जब हम बाइक साइड स्टैंड पे लगाते हैं तो नीचे हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली लगेज लगा रहता है, काफ़ी सारा वेट होता है, और स्पेशली फॉर हिमालयन जिसका साइड स्टैंड थोड़ा सा ऐसा बनाए कि गाड़ी ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं और थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ, गाड़ी इतनी ज़्यादा झुक चुकी है गाइस, फिर भी गाड़ी गिरने का नाम नहीं लेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड खड़ी है गाड़ी, ये स्टैंड काफ़ी वाइड है, बाहर निकला हुआ है तो इजीली गाड़ी गिरती नहीं। देखो मैं खींच रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं, बेफिक्र होके साइड स्टैंड लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो लेवल देख लो, ये नीचे साइड स्टैंड लगा हुआ है, गाड़ी ऊपर है। कितना अच्छा लगता है ऐसे लोकेशंस पे आने के लिए, और स्पेशली अगर ऐसे लोकेशंस पे आप इजीली आ जाओ तो क्या ही बात है, और यही इजी नेचर इस बाइक का है, द ऑल न्यू हिमालयन 452 फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लुक्स की, तो लुक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि इट्स वेरी गुड लुकिंग, काफी बड़ा स्टांस है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे। और मेजर रोड पे जो गाड़ियां होती है उनसे आपकी गाड़ी बड़ी दिखेगी, स्पेशली इन लाइट कलर, चाहे वो काजा ब्राउन हो या कामेट व्हाइट हो। यस, ब्लैक कलर में इतनी बड़ी दिखती नहीं है, हालांकि गाड़ी तो सेम ही है, क्योंकि ब्लैक कलर थोड़ा सा नैरो डाउन हो जाता है ना आंखों की नजरों में, थोड़ा नैरो डाउन हो जाता है, लाइट कलर थोड़ा बड़ा दिखता है। 196 किलो का इसका वेट है, गाड़ी तो बढ़िया बॉस, हेवी भी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लुक्स वाइज मुझे लगता है बढ़िया सीरियस लुक दिया है गाड़ी को, दिखने में बहुत ही एग्रेसिव नेचर की लगती है, साथ ही साथ आपको कंफर्ट भी बहुत अच्छा देती है। और स्पेशली इसका रियर साइड आपको दिखाता हूँ, पीछे से बहुत ही अनकन्वेंशनल दिखती है, देयर इज नो टेल लाइट, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड इन द इंडिकेटर्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। यस, इसके कॉन्स तो है, विल टॉक अबाउट इट लेटर। चाहे वो चैसी हो, इंजन हो, या ये प्यारा सा एग्जॉस्ट हो, दिखने में बहुत बढ़िया, 10/10। पीछे का जो रियर टायर है वो भी काफ़ी अच्छा, 140 सेक्शन का है। बाइक का लुक मुझे बहुत पसंद आया, हालांकि मैं चाहता था कि सामने का जो हेडलाइट है वो अगर रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा एक अलग डिज़ाइन दे देती या उसके ऊपर थोड़ा वाइजर का कुछ शेप दे देती तो थोड़ा अलग फील आ जाता। ये हेडलाइट इट इज़ वेरी गुड नो डाउट, लेकिन इट्स एज कॉमन एज एनी अदर रॉयल एनफील्ड बाइक, बस यही एक मुझे पर्सनली फील होता है। रेस्ट अश्योर्ड गाड़ी दिखने में बहुत सही है। कमिंग टू कम्फर्ट, वैसे यहाँ पे हमारे एक दोस्त सोए हुए हैं तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सो जाओ बेटा सो जाओ। सो द हार्ट ऑफ कम्फर्ट इज दिस अमेजिंग सस्पेंशन सेटअप। भाई साहब, मैंने जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतनी बाइक चली है गाइज, ये बाइक के सस्पेंशन मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगे इन दिस सेगमेंट। मैंने KTM एडवेंचर चलाई है, स्पीति का पूरा सर्किट किया है उस पर, मैंने ओल्ड हिमालयन काफ़ी चलाई है, मैंने GS 310 चलाई है, BMW की एक्सपल्स तो अपने पास है, तो मैंने ESD एडवेंचर चलाई है, ऑलमोस्ट मैंने सारी ये कैटेगरी के एडवेंचर बाइक्स चलाई है, स्प्रैंगलर 400X भी चलाई है लेकिन वो सिटी में चलाई है। इसका सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली ट्यून्ड है, चाहे आप गड्ढों में से जाओ, चाहे आप अच्छे रोड्स पे जाओ या बम्पी रोड्स पे जाओ, आप खुद को स्टेबल फील करोगे। एंड स्पेशली दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ अगर आप पिलियन राइडर के साथ जाते हो तो, पिलियन विल बी वेरी कंफर्टेबल बिकॉज पीछे का सस्पेंशन ऐसा सोक कर लेता ना, वो खुद बाउंस हो जाएगा लेकिन गाड़ी को हिलने नहीं देगा। द सेकंड पॉइंट ऑफ कंफर्ट इज दिस सीट। सीट काफी अच्छी है, इनिशियल थॉट्स मेरे ऐसे थे कि सीट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगी, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट फील नहीं होती जितनी दिखती है, आपने सुना होगा। देखो सीट इज वेरी गुड, कुशनिंग इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है मेजर लोगों को, लेकिन आफ्टर 1 or 2 hours थोड़ा सा आपको फील होगा कि अरे यार थोड़ा सा हिलना चाहिए, इधर उधर होना चाहिए। आपको स्पेस बहुत है यहाँ पे, आप हिलने के लिए बहुत हिल सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। वेरी गुड सीट बट नॉट परफेक्ट। हाँ, ग्रिप वाइज देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रिप है, ये इसके ऊपर जो लगा हुआ है फैब्रिक, दिस इज मोर और लेस फ्लैट, तो फ्लैट सीट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे चांसेस कम है कि कोई आगे आएगा। ब्रेक भी अगर दबाते हैं तो स्लाइड डाउन आगे होने के चांसेस कम है, क्योंकि इट हैज वेरी गुड ग्रिप और ये ऐसा फैब्रिक जमा नहीं होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ कम्फर्ट इज वाइब्रेशंस। फ्रेंकली बताऊँ आपको, वाइब्रेशंस तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, नेचर ऑफ दिस बाइक सिंगल सिलेंडर, वाइब्रेशंस तो होने ही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो अनमैनेजेबल है, मोर और लेस सारे वाइब्रेशंस मैनेजेबल है, चाहे वो फुटपैक के हो या सीट के हो या
टैंक थोड़ा सा टिकल हो रहा है वो हो, या तो हैंडल बार के हो, कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा रेव करोगे 6000 आरपीएम के ऊपर एट लो स्पीड्स, तब आपको थोड़े ज्यादा फील होंगे, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि बाइक उतनी स्पीड नहीं है ना। अगर आप सपोज 90-100 के स्पीड पे हो, 6000 आरपीएम 7000 आरपीएम, तब आपको ज्यादा फील नहीं होगा। जितना मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ KTM Adventure 390 से, मुझे थोड़े कम लगे, टू बी वेरी फ्रैंक। चलो अभी बाइक पे आपको बैठ के दिखाता हूँ कि हाउ इट फील्स। वेट काफी है तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में शायद टाइम लग सकता है नए राइडर को। चलो अभी बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं। वैसे तो एग्जॉस्ट नोट आपने मेरे पहले वाले वीडियोस में देखा ही होगा, लेकिन आपको जब हम इग्निशन देते हैं तब एक साउंड आता है बाइक में से, वो साउंड आपको सुनाता हूँ कि वो कैसा है। तो कुछ ऐसा साउंड है, हल्का सा आता है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर टाइप का थोड़ा सा फील आता है उसमें। चलो बाइक शुरू करके देखते हैं। चलो अभी आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे, वो है द हार्ट ऑफ द मैटर। ये शेरपा 452 जो प्लेटफॉर्म रॉयल इनफील्ड ने बनाया है, ये इंजन की पावर डिलीवरी कैसी है। अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने मोटो व्लॉग में तो शेयर किया ही है। ये इंजन जो है ये बहुत ज़्यादा टॉर्की नेचर वाला इंजन है और ये एक हाई कंप्रेशन रेशियो इंजन है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, बाइक का जो आरपीएम है, जो लिमिटर है, वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाइक 3000-4000 आरपीएम पे रहेगी और क्रूज करेगी। इट विल टेक लॉट ऑफ रोटेशंस टू रीच दैट स्पीड। 2000-3000 आरपीएम में कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट फर्स्ट गियर से आप 20-30 की स्पीड तक जाओगे तभी 6000 आरपीएम आ जाएगा। तो ये बाइक का नेचर है। लेकिन जो पावर डिलीवरी है वो काफी लीनियर है। KTM जब भगाते हो आप, लेट से 20-30 की स्पीड से आप ओवरटेक करो किसी ट्रक को, तो वो तुरंत 70 तक पहुंच जाएगी। ये तुरंत नहीं पहुंचेगी, ये मे बी उतना टाइम लेगी 60 तक पहुंचने के लिए। तो वेरी श्योर कि इस पे क्रूजिंग करना 110-120 पे इज अ पीस ऑफ केक, कोई टेंशन नहीं। इनफैक्ट मैं अभी काफी टाइम तक 120-130 पे था। सो नो कंप्लेंट्स ऑन इंजन, वेरी गुड इंजन फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। हाँ, एक पॉइंट है कि 2500 आरपीएम के नीचे ज्यादा यूजेबल टॉर्क नहीं है। 2000 आरपीएम पे, 2500 आरपीएम पे, तो वो टॉर्क ऐसा लगता है कि अरे टॉर्क कहाँ गया, टॉर्क कम क्यों हो गया, तो वो थोड़ा सा एक फील है। आई थिंक वो थोड़ा रेक्टिफाई हो जाएगा बिकॉज इट हैज गॉट राइड बाय वायर, शायद उसका कोई कॉम्प्लिकेशन हो, आई डोंट नो। लेकिन 3000 आरपीएम के बाद इट्स अ रॉकेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेक्स, टायर्स, रिम्स। देखो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसके मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका जो डिस्क ब्रेक्स है दोनों, उसमें आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलते हैं। ब्रेक्स आर वेरी गुड, फ्रंट ब्रेक स्पेशली, इसका बाइट बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी, व्हेन आई से बहुत अच्छा है। मैंने 130-120 की स्पीड पे हार्ड ब्रेकिंग भी करके देखा है और मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ABS किक इन हो रहा है फ्रंट ब्रेक का, या तो कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, या बहुत ज़्यादा डाइव हो रही है बाइक, ऐसा फील नहीं हुआ। सस्पेंशन थोड़ा सा डाइव होता है ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, लेकिन इतना भी डाइव नहीं होता कि आप डर जाओ। और ब्रेक्स का जो पकड़ है, जो ग्रिप है, वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है, मतलब एकदम भसक से लगने जाता है, या तो टाइम लेता है, ऐसा भी नहीं है। वेरी गुड ब्रेकिंग फ्रंट वन। रियर ब्रेकिंग भी अच्छी है, लेकिन रियर ब्रेकिंग मुझे थोड़ी सी टाइट लगी। यूजुअली क्या होता है कि रियर ब्रेक थोड़ा कम लगे तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली लॉक होने के बहुत चांसेस होते हैं रियर टायर, हालांकि इसमें ABS है, लेकिन थोड़ा सा टाइट लगा। मे बी इट्स बिकॉज अभी बाइक टू बाइक डिफर करता है थोड़ा सा, जैसे टेस्टेड व्हीकल, तो हो सकता है कि थोड़ा बाइट उसमें ज़्यादा आ गया हो, या तो घिस गया हो ब्रेक पैड, ऐसा हो सकता है, लेकिन ब्रेक्स अच्छे हैं, नो डाउट इन दैट। सेकेंड इज द रिम्स। तो ये है स्पोक व्हील्स ट्यूब वेरियंट। ट्यूबलेस वाला अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं है, तो वो अभी मे बी 6 महीनों में, अगले साल आ जाएगा, देखते हैं अभी कब आएगा। राइट नाउ दिस सेटअप इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी इट्स वेरी गुड। स्पोक व्हील्स के बहुत एडवांटेजेस होते हैं, उसके बारे में शायद मैं कोई पॉडकास्ट वीडियो में बात करूंगा। मेरी वर्सेस 300 स्पोक व्हील्स थी, मेरी एक्सपल्स भी स्पोक व्हील्स है, अभी ये गाड़ी आने वाली है ये भी स्पोक व्हील्स है। आई रियली लव स्पोक व्हील्स। एक थोड़ा सा डर की बात है कि पंचर का थोड़ा लफड़ा होता है, लेकिन चलो वो एक अलग टॉपिक है। वाइब्रेशंस अच्छे खासे एब्जॉर्ब ये स्पोक व्हील्स खुद ही कर लेते हैं ड्यूरिंग ऑफ रोड। ये बेंड होने के चांसेस कम हो जाए, सडन झटका आ जाए, कुछ गड्ढा आ जाए, पॉट होल आ जाए, उसमें भी आपके रिम बेंड होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द स्पोक रिम्स। और इट्स ईजी टू मेंटेन ऑल्सो, अगर कुछ डैमेज होता भी है तो आप स्पोक रिप्लेस कर सकते हो। हाँ, पंचर का लफड़ा है, वो क्या कर सकते हो। टायर्स ऑन दिस बाइक, दिस हैज गॉट सीएट टायर्स। सीएट टायर्स का मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी है ऑन द एक्सपल्स, अच्छे टायर्स है,
और काफी अच्छी ग्रिप भी देती है, स्पेशली ऑन ऑफ रोड मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सो फार नो कंप्लेंट ऑन द टायर साइड। थोड़ा सा टारमैक पे या कॉन्क्रीट के रोड पे मुझे लगता है रियर टायर थोड़ा जल्दी स्किड हो रहा था ब्रेक मारने के बाद, ABS किक इन हो रहा था, तो वो थोड़ा सा एक बात लगी मुझे, लेकिन आई थिंक वो कॉन्क्रीट का रोड था तो दैट्स फाइन, हर कोई बाइक ऐसी बिहेव करेगी। टारमैक पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो अब हम जब बाइक चलाएंगे, आप जब टूरिंग करोगे, ये वीडियो मोस्टली टूरिंग रिव्यू के हिसाब से मैंने बनाया है, तो जब आप बाइक चलाते हो आपको ये सब कुछ दिखता है, सबसे बड़े ये कंसोल दिखता है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स रॉयल एनफील्ड हैज डन, ये कंसोल देखे, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, धूप में भी आराम से दिख जाएगा, रात को तो ऑब्वियसली दिखेगा, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली यहीं पे आराम से मिल जाएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। हालांकि आप उसका मोड भी चेंज कर सकते हो, जैसा अभी राइट नाउ ये नॉर्मल स्टॉक मोड में है, ये थोड़ा डिजिटल मोड में अभी आ गया, यहाँ पे आप मैप्स वैप्स कर सकते हो, स्पॉटिफाई सब कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक यूजिंग दिस जॉयस्टिक, बटन्स के ऊपर हम आएंगे। तो कंसोल बढ़िया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिल जाती है, मतलब राइड मोड चेंज करना हो, ABS ऑफ करना हो, या तो ट्रिप मीटर्स, या तो फिर इंजन टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी, एवरेज स्पीड या एवरेज जो करंट माइलेज चल रहा है, रियल टाइम माइलेज, लॉन्ग टर्म माइलेज, सब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ स्विचेस दिए हैं, तो यहाँ पे मोड स्विच है, बहुत अच्छा फीडबैक है, इसके अपोजिट यहाँ पे हजार्ड स्विच है, सिमिलर बटन है, अच्छा फीडबैक है। फॉर सम रीज़न हजार्ड लाइट्स बाइक के बार बार ऑन हो रहे थे, नॉट श्योर वाई, तो मैं इसको बंद कर रहा था, वो पहले पहले हुए बाद में नहीं हुए। ये रॉयल एनफील्ड ने नया सिस्टम चालू किया बटन्स का, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है और इजी टू यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। पास स्विच यहाँ पे है, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न है, और ये जॉयस्टिक है। अभी ये जॉयस्टिक का सिस्टम मुझे अच्छा लगा, लेकिन जॉयस्टिक कंट्रोल करना थोड़ा सा थोड़ा ईजी बना था, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इट्स ईजी टू मूव इट अप एंड डाउन, लेकिन हम जब सिलेक्ट करने जाते हैं तो थोड़ा सा ग्लव्स के साथ थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, क्योंकि गलत क्लिक हो जाता है या तो सिलेक्ट होता ही नहीं है, नीचे स्क्रॉल हो जाता है। तो आई थिंक इधर एक सिलेक्ट बटन दूसरा देना चाहिए था, नहीं तो इसका थोड़ा फीडबैक बेटर करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। मे बी इन द फ्यूचर वर्जन ये बेटर करेंगे। तो विजिबिलिटी के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है वाइल राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि देखो विंडशील्ड छोटी है, जो आप बड़ी भी करोगे फिर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैंक स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे भी काफ़ी ब्लैंक स्पेस है, तो आपको नीचे का रोड भी डायरेक्टली दिख जाएगा। और वाइल राइडिंग आई कुड सी द रोड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द टायर, तो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, आपको स्पेशली नाइट राइड्स में भी काफ़ी काम आएगा, टूरिंग के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लच इज प्रीटी लाइट, ब्रेक का फीडबैक भी बहुत सही है, मिरर्स थोड़े छोटे मुझे लगे, आई डोंट नो मिरर्स ऐसे क्यों दिए, ये टिपिकल रॉयल एनफील्ड मिरर्स है, थोड़े बड़े होने चाहिए थे, मे बी इनके आफ्टर मार्केट आते हैं तो वो एज अ ऑप्शन है, या तो कोई बाहर से लगा लो। स्टॉक ग्रिप्स भी अच्छी है, गिव्स अ गुड फीडबैक, वाइब्रेशंस भी आई थिंक थोड़े से डैम्प हो जाते होंगे। स्पेस की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारी स्पेस है यहाँ पे, आपको इतनी स्पेस मिलती है कि आप आराम से आगे पीछे मूव हो सकते हो, इनफैक्ट साइडलिंग करते टाइम भी आप आगे हो सकते हो, लीन पीछे हो सकते हो, यहाँ पे बैठ भी सकते हो, स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग व्हील बेस, काफी बड़ी बाइक है ये। तो इतनी सारी पावर के साथ आती है इंजन से गर्मी, हीट मैनेजमेंट ऑन दिस बाइक इज वेल डन आई मस्ट से। एक बार भी स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में मुझे फील नहीं हुआ कि बाइक ओवरहीट हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी फॉर अराउंड हाफ एन आवर। राइट साइड से थोड़ा सा हवा गर्म फील हो रही थी, लेफ्ट साइड से तो उतनी भी नहीं हो रही थी, जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही थी, ज्यादा कोई हीटिंग का इशू आया नहीं है। यस दिस इज विंटर, तो मे बी समर में थोड़ा सा एक रिव्यू अलग से आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। जो इंजन हीट का जो बार है वो 3 points पे था एट द मैक्स, मतलब अराउंड 100 degrees, और 120 इसका मैक्सिमम लिमिट था, तो वो 100 के ऊपर 100 भी नहीं, इनफैक्ट 90 के ऊपर वो जा भी नहीं रहा था। तो आई डोंट थिंक कि ये ओवर हीटिंग ये बाइक में होने वाली है, मैक्स टू मैक्स 100 degree तक जाएगी, प्लस दिस हैज गॉट लिक्विड कूल्ड, तो रेडिएटर फैन किक इन हो जाएगा और इंजन को ठंडा कर देगा। डिसलाइक्स भी है, उसके बारे में बात करेंगे एट द एंड। वैसे कुछ पॉइंट्स अगर रहेगा तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन द कमेंट इमीडिएटली। वैसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, काफी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए, एंड डू सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हिमालयन हमेशा होने वाली है। एक बात आपसे करनी रहेगी कि भाई हैंडलिंग कैसे है बाइक का ओवरऑल पैकेज के हिसाब से, फॉर सोलो राइड एंड ऑल्सो विद पिलियन। देखो हैंडलिंग बहुत सही है, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द बाइक जो सैडल होने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। आप इस पे एक बार सैडलिंग करके देखो, यू विल फील एट होम, आपको लगेगा कि भाई मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ, तुरंत आप उठ जाओगे, इतना ज्यादा कंफर्टेबल है इसकी सैडलिंग। चाहे वो फुटपैक्स हो, चाहे वो
जो सेंटर ऑफ बाइक है वो काफी ज्यादा नैरो है, तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि आपके पैर थोड़े नजदीक रहते हैं, मतलब कंपेयर टू अदर बाइक्स में भी थोड़े से अंदर रहते हैं। यू कैन टक द बाइक इन रियली वेल, आप एकदम स्ट्रेट खड़े रह सकते हो, आप आगे लीन कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन में काफी स्पेस है यार, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। तो हैंडलिंग वाइज बहुत सही है, प्लस ऑफ रोडिंग में आप बाइक को कंट्रोल बहुत ही इजीली कर सकते हो। ट्रस्ट मी, मैंने लिटरली यहाँ पे राउंड मारा, आपने देखा ही है, 5 की स्पीड से मैंने टर्न मारा ऑफ रोड पे विदाउट पुटिंग डाउन माई लेग, जस्ट बाइक को ऐसा 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 कंट्रोल करके। दैट्स हाउ ग्रेट द हैंडलिंग इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रेसिव वेट मैनेजमेंट। 196 किलो को हैंडल करना आसान बात नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर आप नए राइडर भी हो, आप इस बाइक को थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आराम से इसको अच्छे ऑफ रोड पे भी हैंडल कर सकते हो। इनफैक्ट पिलियन भी हो तो भी बहुत ज्यादा स्पेस है, सीट कंफर्टेबल है, वाइब्रेशंस, मेरी वाइफ बैठी थी गोवा में बाइक में मेरे साथ पीछे कुछ टाइम के लिए, वेरी मिनिमल वाइब्रेशंस, और लगेज ऑप्शन आप आराम से लगा सकते हो, तो रियर पैसेंजर को कोई लगेज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो हैंडलिंग वाइज आई थिंक फॉर टूरिंग दिस बाइक इज अमेजिंग, अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, जैसे थोड़ा वाइब्रेशन, थोड़ा बजी फील होगा, अब दिन भर राइड करने के बाद वो कैसा फीलिंग आती है वो तो लॉन्ग राइड करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स अ डील ब्रेकर, क्योंकि सिंगल सिलेंडर 3.5 लाख में आपको जो बाइक मिल रही है उसमें से आप थोड़ी ना 10 लाख के बाइक जैसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो वही बात है। तो दोस्तों अब आते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आई है अबाउट दिस बाइक। बहुत मेजर चीज़ें नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नेट पिक चीज़ें जो ज़्यादा मैटर नहीं करती, कुछ कुछ मैटर करती है। स्टार्टिंग विथ ये देखो यहाँ पे ना, ये हॉर्न पोजीशन देखो, अब ये पोजीशन तो ठीक है, मिट्टी तो, ये टायर अगर काफ़ी पीछे तक है तो कोई टेंशन नहीं है, मिट्टी उड़ेगी नहीं, लेकिन व्हेन यू डू लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग तो बहुत सारी मिट्टी हॉर्न में घुस जाएगी और हॉर्न फिर बजना बंद हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा पोजीशन आई थिंक थोड़ा ऊपर करते तो बेटर होता, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल। सेकेंड इज बजी नॉइज, पता नहीं बीच बीच में मुझे थोड़ा सा बज आया था, आई थिंक वो ये जो प्लेट है ये शायद कोई मेटल पार्ट के एकदम नजदीक हो गया और वाइब्रेशन की वजह से वो ट्र ऐसा थोड़ा हल्का सा बस था एट सर्टन RPM, तो वो थोड़ा चेक करना पड़ेगा वो कहाँ से आई थी। मे बी बिकॉज इज अ टेस्टेड व्हीकल, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी नई बाइक के साथ ऐसा ना हो, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ऐसा आवाज अगर आ रही है तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द ब्रांड इटसेल्फ। नेक्स्ट इज इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। अब जितना मुझे पता है राइड बाय वायर थ्रॉटल में ऑलरेडी आप काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल डाल सकते हो, इसमें क्रूज कंट्रोल भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल चलो अंडरस्टूड की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं दिया, लेकिन क्रूज कंट्रोल देना चाहिए था, दैट वुड हैव बीन अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ दिस बाइक। ऑलरेडी इसमें इतने सारे अच्छी चीजें हैं, क्रूज कंट्रोल से ये टॉप ऑफ द बेंचमार्क में पहुंच जाती है, क्योंकि क्रूज कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टूरिंग, तो वो अभी मे बी नेक्स्ट अपडेट में आएगा तो पता नहीं, लेकिन आई थिंक इट्स पॉसिबल क्योंकि इट्स राइड बाय वायर। नेक्स्ट एक चिंता वाला विषय मुझे ये लगा कि ये जो नई चीज दिया है इन्होंने रियर इंडिकेटर्स में ही ब्रेक लाइट दे दिया है, इट इज़ अ गुड थिंग, काफ़ी बड़ी ब्रांड्स करती है, BMW ये सब करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडियन जो रोड पे जो लोग हैं उनमें बेसिक रोड नॉलेज ही नहीं है, तो ये सब चीज़ों का पता नहीं उनको कितना नॉलेज होगा। यूजुअली क्या होता है कि जब डे लाइट में, रात को तो खैर रेड लाइट आराम से दिख जाएगा, डे लाइट में भी दिखता है ऐसा नहीं है, मैंने डायरन से पूछा था, डायरन बोल रहा कि आराम से दिख रहा है, लेकिन जिसको पता है उसका ध्यान जाएगा, जिसको पता नहीं है वो तो यहाँ पे टेल लाइट ढूंढेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारी बाइक कहीं गिर गई या एक साइड टूट गया, तो फिर तो एक ही साइड बचा है, तो एक साइड के भरोसे आपको टेल लाइट भी उसी में, इंडिकेटर भी उसी में, हजार्ड लाइट भी उसी में, तो वो थोड़ा सा मुझे एक डाउनसाइड लगा कि चलो अच्छी चीजें उन्होंने ये दी है, काफी सारी चीजें उसकी वजह से रेक्टिफाई हुई है, जैसे पीछे का सीट काफी नीचे लो आ गया क्योंकि यहाँ पे जो असेंबली होती है टेल लाइट की वो गायब है, तो बहुत फ्री स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गई, तो ये एक एडवांटेज है, इसकी वजह से यहाँ पे भी काफी डिस्टेंस आ गया है विच इज गुड फॉर ऑफ रोडिंग, लेकिन ये चीज इंडिया में थोड़ा अडाप्ट होने में टाइम लगेगा, राइडर्स वुड नो, लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक है उनको अडाप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली ये जो इंडिकेटर है ये अगर टूटते हैं तो दोनों इंडिकेटर काम करते हैं क्या, वो भी एक मुद्दा है, मुद्दे की बात है, तो वो जब किसी का टूटेगा या हमारे बाइक का टूट गया ऐसा ना हो, लेकिन तब पता चलेगा। थर्डली जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर लाइट्स, वो इसी में इंटीग्रेटेड है, आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो ये है नॉर्मल पार्किंग लाइट्स, रेड लाइट्स, अभी अगर मैं ब्रेक मारूंगा तो ये देखो ये थोड़े डार्क हो जाते हैं, और अगर मैं राइट इंडिकेटर दूंगा तो ये देखो, अब आपको तो दिख रहे होंगे क्योंकि आप स्पेसिफिकली वो देख रहे हो, ब्रेक लाइट दबाने के बाद आपको दिख रहे हैं क्योंकि आप स्पेसिफिकली देख रहे हो, लेकिन
व्हाट अबाउट हाईवे, जब हम हाईवे पे होते हैं तब लोग पीछे रहते हैं कार में ट्रक में, उनका ध्यान जाता है लेकिन लाइट में लाइट देने की वजह से जल्दी क्लिक नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमारे साथ नहीं होगा लेकिन रैंडम लोगों के साथ हो सकता है, तो इसीलिए शायद इसको थोड़ा टाइम लगेगा अडाप्ट होने में। बाकी सिस्टम सही है, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स जो मैंने बताए ये तो खैर ज्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन एक ड्रॉबैक बहुत मैटर करता है, लास्ट ड्रॉबैक, दैट इज द वेट। ये बाइक वेट तो है बॉस, मतलब 196 kg इसका कर्व वेट है विद पेट्रोल। आप 190 पकड़ लो, 190 kg इज मे बी नॉट वेरी हाई, लेकिन ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये ज्यादा है। प्लस ये टॉप हैवी है, तो आप जब बाइक उठाओगे तब आपको ओ माई गॉड, ये देखो, जब बाइक उठाओगे रखोगे तो काफी हैवी फील होगी। हाँ, 20 की स्पीड के ऊपर, 10 के स्पीड के ऊपर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वेट मैनेजमेंट बहुत सही है ऑन द रनिंग बाइक, लेकिन खड़े खड़े स्टैंड स्टिल में बाइक इज हैवी, तो आपको आदत लगानी पड़ेगी जब ये बाइक खरीदोगे या लेने वाले हो कि यू नीड टू हैंडल द बाइक विथ केयर, स्पेशली जब आप स्लो स्पीड पे खड़े हो या सामान बांधा है, स्पेशली फॉर द राइडर्स जिनकी हाइट 5'5" या उससे कम है। 5'5" वाला भी इसको संभाल लेगा, इसकी थोड़ी सीट हाइट कम करके, मेरी हाइट 5'7" है, 5'7" 5'8" के बीच में, तो मेरे से ये नॉर्मल जो स्टॉक सीट हाइट है 825 mm, ये मेरे लिए इनफ है, लेकिन वेट काफ़ी है। अब आई एम यूज टू बिग मोटरसाइकिल्स इसीलिए मुझे आदत हो गई है, लेकिन फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम मे बी 200 cc और 300 cc, उनके लिए थोड़ा सा फील हो सकता है। सच अ गुड लोकेशन विद दिस अमेजिंग मोटरसाइकिल, मुझे लगता है कि यही बाइक मैं घर लेके जाऊँ, क्योंकि सेम ही कलर आना है तो ये लेके जाता हूँ, लेकिन खैर विल वेट फॉर आर बाइक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। वैसे शेयर जरूर करना इस वीडियो को, काफ़ी सारे हिमालयन बायर्स होने वाले हैं और हिमालयन की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन अगर आपने 31 दिसंबर के पहले बुक किया है तो आपको पुरानी प्राइस ही पे करनी होगी मोस्ट प्रॉब्ली। क्यों? उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लो विद प्रूफ, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना ये वीडियो का, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब अगेन एंड बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाले वीडियोस की। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। मैं अभिषेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम वांद्री लेक।